शाम का समय है दोस्तों और मैं हो रही हूँ रेडी मार्केट जाने के लिए। सो आज स्पेशल ये है कि मैं भूल गई मुझे वीडियो बनाना है। सो यहाँ पे मैं टोनर लगा चुकी थी, देन उसके बाद मैंने ऐसे दिखाया कि टोनर में देखो कितनी गंदगी निकलती है। सो आज स्पेशल मैं यही कर रही हूँ कि टोनर लगा के मैंने मॉइस्चराइजर लगाया जो मैं पहले ही लगा चुकी थी, वो भी मैंने ऐसे घुमाया। सो एनीवे दोस्तों, यहाँ पे मैं ब्राउन पेन से लगा रही हूँ अपनी आईब्रो में। सो बस मैं यही देखना चाह रही हूँ कि आप ही मुझे बताना कि कुछ फ़र्क आता है मुंह पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आए और बोला जल्दी से रेडी हो जा और मुझे परफ्यूम दे दे। सो मैंने उनको परफ्यूम दिया। सो दोस्तों, आजकल ये छुट्टियाँ रखे हैं तो वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है तो कुछ ना कुछ के लिए मार्केट आना जाना होता ही रहता है। और ये छुट्टियाँ कैसे बीत गई, मतलब थोड़े दिन तो और है लेकिन छुट्टियाँ बहुत ही जल्दी से जा रही हैं। एक ही महीना ये छुट्टी आए थे अभी। सो अभी तो दिवाली तक है। और थैंक गॉड कि अब सर्दी आ गई है तो अब तो क्रीमें मतलब मॉइस्चराइज़र ही लगता है मुंह पे। और गर्मियों में एक भी क्रीम जो मेरी यूज़ हुई होगी दोस्तों, सारी की सारी ऐसे ही थी, क्योंकि गर्मी इतनी होती है चिपचिपे की क्रीम लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता और मन भी नहीं होता। सो यहाँ पे बहुत दिनों बाद मैंने अपना लैक्मे का प्राइमर यूज़ करा जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा निखार भी आता है इससे फेस पे। और आज मुझे लेना है दोस्तों अहोई अष्टमी के लिए कुछ सामान। और साथ में हमने थैले में रखा है दोस्तों एक सोफ़े का कवर। इन्होंने सारे सोफ़े का कवर ना सेट ही ख़राब कर दिया, उसके ऊपर कुछ गर्म चीज़ रख दी जिससे उस पर होल हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो मार्केट में ना रफू करवा दूंगा मैं, और अगर ये काम मेरे से होता ना तो इतना बड़बड़ाहट करते और इतना डांटते ना मुझे। सो ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लगता मुझे। सो अपनी गलती भी माननी चाहिए और यह तो हमारी गलती पे थोड़ी शांति करनी चाहिए कि चलो हो जाता है ऐसे कभी कभी। सो एनीवे दोस्तों, सो यहाँ पे वो काम भी करवाना है और आज मुझे कुछ लेना भी है किसी के लिए। सो उसके लिए भी मैं जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी है। सो चलो मार्केट चलते। फाइनली मैं रेडी हो गई और ये देखे जा रहे। सो अब मेरी चाय भी ठंडी हो गई, गर्म गर्म चाय नहीं पी जाती तो गर्मा गर्म चाय पियूँगी। और स्टील के गिलास में इसीलिए सर्दियों में फ़ायदे होते कि इसमें चाय ना गर्म रहती है। सो अब मैं बैठ के आराम से थोड़ा चाय के घूंट लेती हूँ और अब ये आ गए कि फाइनली तो रेडी हो गई कि नहीं, अब जल्दी से चाय पी और चल जल्दी। क्या करने वाला है तू एक साथ ही दो तीन सालों में। और मुझे बहुत हंसी आ रही है अभी इनकी बातें सुन के, बॉडी कब बनाएगा तो सच में ये क्रिश इतना पतला है ना, लंबा है, और मेरा छोटा वाला बेटा उतना है मोटा है, तो दोनों के दोनों अपोजिट हैं। लेकिन ये अपने समय के साथ हो जाएगा, अभी इसका 12th है। सो अभी मैं ये बात सुन रही हूँ जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और देखो फाइनली दोस्तों बारिश हो गई और हमको जाना था कैंटीन। जाते जाते मैंने अपने लिए जूते देखे, उन्होंने कहा चल मैंने देखे हैं जूते तू भी देख ले, लेकिन पसंद नहीं आए, एक ही जोड़ी थी। फिर मैं छोटे छोटे सामान लिया और पहुँच गया हम बाज़ार और ये पूछ रहे हैं वही रफ़ो कराने की दुकान। सो वहाँ पर तो नहीं मिली। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ चूड़ी मार्केट में, वो तो आपने देखा ही होगा। सो यहाँ पे ये दे रहे, ये है क्रिश का लोअर ब्लैक वाला और ये बहुत महंगा था तो इसलिए करवाया टी शर्ट और सोफ़े का कवर। और यहाँ पे मैंने लिया अपनी सासू माँ के लिए गिफ्ट, मतलब कि जो करवा चौथ पर अहोई माता के व्रत पर दिया जाता है।
और अपनी मम्मी के लिए भी मैंने एक गरम सूट लिया, सासू माँ के लिए भी गरम सूट लिया क्योंकि अब रिक्वायरमेंट उसी की है। और यहाँ पे गोलगप्पे खाने के बाद दोस्तों हम लोग आगे कैंट के अंदर, 7 बजे की मूवी थी सो हमने वो देखी और बस ऐसे हमारा दिन व्यतीत हुआ। सो यहाँ पे बस खाना पीना हुआ चुटर पुटर और उसके बाद हम चले गए घर। और हाँ, मूवी थी मैं हार नहीं मानूंगा, जो रियल स्टोरी है बहुत ही अच्छी मूवी मुझे लगी। सो आज है दोस्तों अहोई अष्टमी का फास्ट, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।